Hello friends, this is Sangam before you and welcome back to my channel Pharmacy Trick. Friends, in this video, I'm going to talk about match injection. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दवा या इंजेक्शन आप खुद से न ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन और इंजेक्शन, यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा और इंजेक्शन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैच इंजेक्शन। फ्रेंड्स, मैच इंजेक्शन बहुत ही ज्यादा प्रचलित इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल मलेरिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन एंटी मलेरियल इंजेक्शन कहलाता है। फ्रेंड्स, एंटी मलेरियल कहने का मेरा अर्थ यहाँ पर ये हो रहा है कि जो मलेरिया के खिलाफ जाके काम करे उसको एंटी मलेरियल बोलते हैं। और इसे दूसरे शब्दों में हम लोग एंटी पैरासाइटिक इंजेक्शन भी बोल सकते हैं या एंटी पैरासाइटिक के कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि पैरासाइट को किल करने का काम करता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग। हर एक चीजों को मैं यहाँ पर समझाऊंगा। आई विल एनालाइज इच एंड एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पर एनालाइज करूंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँ कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि अपने अपने हाईली रेपुटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इसके एक एम्पुल में 2 ml की आती है, जिसकी कीमत मार्केट में आपको 103 रुपये से लेकर 105 रुपये में अवेलेबल हो जाती है, उतने में भी मिल जाती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट बात करना चाहिए कौन सा मॉलिक्यूल्स इस इंजेक्शन के अंदर पाया जाता है, विच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन दिस इंजेक्शन। फ्रेंड्स, बेसिकली इस इंजेक्शन के अंदर अल्फा बीटा आरटी थीटर पाया जाता है। अल्फा बीटा आरटी थीटर 150 mg, मतलब 150 mg पाया जाता है। मतलब 1 ml में कितना, तो 75 mg, और 2 ml में 150 mg पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल मलेरिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे कि मैच इंजेक्शन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है और कौन कौन सा मलेरिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, बेसिकली पहले आपको ये समझना है कि जब मलेरिया हो, ठीक है, वो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम होता है, ठीक है, तो वो सब मलेरिया अगर टैबलेट फॉर्म पर नहीं सुनता है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, अगर टैबलेट फॉर्म का ट्रीटमेंट आप जानना चाहते हो, मैंने कुछ वीडियो बना रखा है, आप जाइए मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर जाकर देखिए टैबलेट फॉर्म पर कैसे मलेरिया को ठीक किया जाता है। लड़ियागो डीएस के बारे में बताया हुआ है, सब बढ़िया से बताया हुआ है, और मलेरिया क्या होता है उसके बारे में बताया हुआ। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इसके यूसेज के बारे में। फ्रेंड्स, इसका पहला इस्तेमाल है टू ट्रीट सीवर मलेरिया। कि कोई मलेरिया लंबे समय से चल रहा है, जैसे आपने मलेरिया का टेस्ट करवाया, एमपी टेस्ट करवाया, उसमें लंबे समय से पॉजिटिव बता रहा है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझो जहां पर टैबलेट काम ना करे, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं मलेरिया को ठीक करने के लिए, टू ट्रीट सीवर मलेरिया। तो फ्रेंड्स, ये पहला यूसेज आपको समझ में। नेक्स्ट आता है फाल्सिपेरम मलेरिया। कि एक मलेरिया ऐसा होता है जो जल्दी छूटता रहे, फाल्सिपेरम टाइप का होता है, तो उस मलेरिया को ठीक करने के लिए इंजेक्शन फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं सेरेब्रल मलेरिया कहने का मतलब है यहाँ पर दिमागी बुखार, जिसको बोलते हैं दिमाग का से जुड़ा हुआ बुखार जो जल्दी उतरता नहीं, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं नेक्स्ट इसे कहते हैं क्लोरोक्विन रजिस्ट्रेशन मलेरिया। कि कोई भी मलेरिया में आप क्लोरोक्विन दवा चला रहे हैं, क्लोरोक्विन प्रिमाक्विन आपने सुना ही होगा नाम, ठीक है, वो चला रहा है, वो अगर काम नहीं कर रहा तो उसको भी रेजिस्टेंस हो जा रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए, उस चीज़ को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी यूसेज आपको समझ में आएगा किस तरह का मलेरिया का ट्रीटमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, पहला मैंने बताया आपको टू ट्रीट सीवर मलेरिया, फाल्सिपेरम मलेरिया, फिर आपको मैंने कहा सेरेब्रल मलेरिया, फिर कहते हैं दिमागी बुखार जिसको आप बोल सकते हो, फिर कहते हैं कि जिसमें क्लोरोक्विन की रेजिस्टेंस हो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहिए इसके मोड ऑफ एक्शन का, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट मोड ऑफ एक्शन। फ्रेंड्स, मोड ऑफ एक्शन को समझने से पहले थोड़ा सा हमको मलेरिया के बारे में समझना होगा। फ्रेंड्स, मलेरिया होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि एक मच्छर होता है मादा एनोफिलीज जिसको बोलते हैं, मॉस्किटो होता है, वो काटने पर हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में पैरासाइट को छोड़ देता है। क्या करता है, पैरासाइट, वो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम हो सकता है, तो वो पैरासाइट को छोड़ देता है। पैरासाइट कहने का अर्थ होता है परजीवी, जो दूसरे पर जीना शुरू, तो जैसे ही हमारे ब्लड स्ट्रीम में वो जाता है वो हमारे ऊपर जीना शुरू करता है, और धीरे धीरे क्या होता है, ये अपना घर बनाना शुरू कर देता है, और बहुत सारे क्या करते हैं, जनसंख्या को वृद्धि करने लगता है, जिससे हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, और हम लोगों को बुखार ठंड लगने लगती है। तो फ्रेंड्स, तो पहले ये आपको समझ में आ गया कि पैरासाइट के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन का, मेन पॉइंट क्या है। तो कहते हैं इट किल्स द गैमेटोसाइट ऑफ पैरासाइट।
अब ये गैमेटोसाइट को किल करता है। अब गैमेटोसाइट मतलब समझ रहे हो, पैरासाइट का एक गैमेटोसाइट साइकिल होता है, जिसे मान ली एक पैरासाइट है, ठीक है, और एक पैरासाइट है आपका, दो चार को और जन्म दो, दो चार और लोग को बोला, तो धीरे धीरे वो अपना पूरा घर बनाते चला जाएगा। तो जो साइकिल जो बनता है पैरासाइट का, एक से चार होता है, चार से आठ होता है, तो उसको ये मारने का काम करता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ कंट्राइंडिकेशन होता है, एंड विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन यू शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर्ड टू एनी ड्रग टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी किसी को आप कोई ड्रग एडमिनिस्टर ना करें। और कंट्राइंडिकेशन जानते हो आप तो पेशेंट की हिस्ट्री जान लो तभी देना उसको। तो फ्रेंड्स नंबर वन इसका कंट्राइंडिकेशन है नॉट सेव इन प्रेगनेंसी अर्ली स्टेज, प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज जो ट्राइमेस्टर जिसको बोलते हैं, तीन महीने हो रहा है उसमें कभी भी भूल से आप मत दीजिए इसको। इसके कारण बहुत सारे इसका साइड इफेक्ट्स होता है, हो सकता है बच्चा का हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, फिर बच्चा का कोई ऑर्गन डैमेज हो सकता है, ठीक है, डीफिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, बहरा हो सकता है बच्चा, ठीक है, डिसेबल हो सकता है, लंगड़े लुजे हो सकते हैं। तो याद रखिए अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो ट्राइमेस्टर तीन महीने का है उसके पहले आपको इसको नहीं देना, बेबी को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। उसके बाद कहते हैं हर्बल, अगर कोई हर्बल दवा आप ले रहे हैं तो उसके साथ भी इसको नहीं देना होता, इसको आप पेशेंट का हिस्ट्री जाना। उसके बाद एजिथ्रोमाइसिन के साथ इसको आपको नहीं देना होता क्योंकि इसका ड्रग इंटरेक्शन तगड़ा होता है। उसके बाद फिर कहते हैं लीवर और किडनी डिजीज से कोई व्यक्ति सफर कर रहा है तो उसे भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर के सुपरविजन, इस बात को आपको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज पर बात करने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होता है, इसका भी थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स है क्योंकि ये इंजेक्शन जो होता है थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ठीक है, और ये इंजेक्शन गाढ़ा होने के कारण थोड़ा सा साइड इफेक्ट्स होता है। इसका नंबर वन साइड इफेक्ट है पेन एंड स्वेलिंग एट इंजेक्शन साइट, कि जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ पे आपको दर्द होगा, थोड़ा सा गठान टाइप का पड़ जाएगा, स्वेलिंग हो सकता है और रेडनेस भी हो सकता है, बस थोड़ा देर के लिए रहता है फिर वो ठीक हो जाता है। फिर कहते हैं नोजिया एंड वोमिटिंग, आपको थोड़ा नोजिया पर जी मिचलाएगा, उल्टी करने का मन करेगा, वीकनेस आपको कमजोरी हो जा सकती है। फिर कहते हैं इंक्रीज हार्ट रेट, आपका धड़कन जो होता है उसके हार्ट रेट को बढ़ा देता है। फिर कहते हैं इंक्रीज हार्ट रेट, वीकनेस हो गया, नोजिया वोमिटिंग हो गया, ठीक है, और पेन एब्डोमिन, आपका पेट में भी दर्द हो सकता है। इस तरह का कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई भी तरह का दिक्कत दिखे तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि इसके जगह दूसरे ब्रांड को लिख सके आपके लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसका साइड इफेक्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया। फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं डोज के बारे में। फ्रेंड्स इसका डोज क्या होता है, तो फ्रेंड्स बेसिकली 1 IV IG mixture से इसका इस्तेमाल किया है, कि इसको आप जब भी दीजिएगा तो 1 IV दीजिएगा, एक ही देना है, दिन भर में एक ही एम्पूल देना है, ठीक है, लेकिन IV mixture में स्पेशली याद रखिए आपको बुटॉक में देना है, बुटॉक में देना, आर्म में कभी मत दीजिएगा, वहाँ पे वो बांह भारी हो जाएगा, ये उठेगा ही नहीं, बांह ऊपर की ओर उठेगा ही नहीं। तो याद रखना हमेशा इसको कहाँ देना, बुटॉक में ही देना, इस बात को याद रखिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आए, मैच इंजेक्शन क्या होता है, कहाँ इसका इस्तेमाल किया था, कौन सी कंपनी से मैनुफैक्चर करती है, क्या इसके यूज होते हैं, क्या इसके डोजेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त था, और मेरे इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।